दिल्ली में 37 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, 37 लाख परिवार हैं जिनका बिजली का बिल जीरो आता है, 15 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको बिजली के बिल आधे दाम पर मिलते हैं जो 200 यूनिट और 400 यूनिट के बीच में इस्तेमाल करते हैं। हमें कहा जाता है कि जी दिल्ली में बिजली सस्ती थोड़ी है, आप तो सिर्फ सब्सिडी दे देते हो। इसीलिए मैं आपके पास आंकड़े लेकर आई हूं कि 400 यूनिट के ऊपर का बिजली का बिल, जहां पर दिल्ली की सरकार कोई सब्सिडी नहीं देती, अगर आप उसको भी भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों से कंपेयर करेंगे तो दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलती है। 400 यूनिट का बिल दिल्ली में 980 रुपए का आता है। वही 400 यूनिट का बिल गुजरात में अहमदाबाद में 2044 रुपए आता है। हरियाणा में गुड़गांव में, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2300 रुपए आता है। उत्तर प्रदेश में 2900 रुपए आता है, मध्य प्रदेश में 3800 रुपए आता है और महाराष्ट्र में 4460 रुपए बिजली का बिल आता है। यानी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर 400 यूनिट बिजली का बिल दिल्ली से 4 गुना ज्यादा आता है। यानी लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली, ये है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। इसीलिए मैं आज सभी दिल्ली वालों से ये कहना चाहती हूं कि जब फरवरी में चुनाव आएगा, दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है, तभी दिल्ली में 24 घंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली आएगी। आने वाले 4 महीनों में, जब तक मेरे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारी है, मैं भी दिल्ली वालों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 4 महीने में भी भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के माध्यम से कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचेगी, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है, जो वो अपने सारे राज्यों में करते हैं, महंगी बिजली देने का। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से दिल्ली वालों को ये वादा करती हूँ कि हम दिल्ली वालों के बिजली के बिल नहीं बढ़ने देंगे।